हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो भी सामग्री मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप भी वही ऐड करें और इसी मेथड से एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 10 कीमा। इसमें हम मिला लेंगे हल्दी पाउडर, मिला लेंगे सरसों तेल, इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ नमक, नमक डालकर अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। वापस से थोड़ा तेल ऐड कर रही हूँ और अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गया है, तो अब मैं कुकर ले रही हूँ। तो कुकर में मैं कोई तेल नहीं डालूंगी, क्योंकि मैरिनेट के समय हम लोग ने तेल ज़्यादा डाला था, तो तेल अभी नहीं डालेंगे। सीधे कीमा को कुकर में डाल देंगे, अच्छे से फैला लेंगे और ढक्कन लगाकर अब इसमें हम 2 सीटी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक कि सीटी लग रहा है, तो चलिए आगे की सामग्री देख लेते हैं। तो आगे की सामग्री में मैंने लिया है यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च और जीरा। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी का पेस्ट बना लेंगे प्याज को छोड़कर। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च और जीरे का पेस्ट बना लेंगे। तो इसलिए मैं मिक्सी जार में से डाल ले रही हूँ और इसमें पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, पेस्ट तैयार है। तो चलिए इसे अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुकर में 2 सीटी लग गया है, तो चलिए कुकर में से गैस निकाल लेते हैं। तो कुकर से गैस निकल गया है, तो चलिए खोलकर देखते हैं। देखिए, ये अच्छे से स्टीम हो गया है। चलिए अब ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई लिया है, इसमें डाल रही हूँ सरसों तेल और इसमें मिला लेंगे सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और अब प्याज मिला लेंगे और प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो गया है। तो अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर। अब इसमें जो हम लोग ने मसालों का पेस्ट डाला था, यहाँ डाल लेंगे और इन्हें पका लेंगे। अब इन मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ धनिया पाउडर। इसे चला लेंगे। इन सभी को अच्छे से पकने देंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ फेटी हुई दही। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा दही लिया है और इसे डाल ले रही हूँ और इसे चलाएंगे। फ्रेंड्स, इसे चलाते रहिए, थोड़ा पानी ऐड की हूँ, और चलाते रहिए।
ताकि दही फट ना जाए, इसीलिए अच्छे से फेटते रहें, बिना रुके इसे चलाते रहें। देखिए फ्रेंड्स, आपको ठीक इसी तरह से चलाते रहना है। चलाते चलाते हम इन सभी चीजों को पका लेंगे। तो अब फ्रेंड्स, इसमें अब हम लोग ऐड कर लेंगे कीमा को। तो यहाँ पर सारा कीमा डाल ले। देखिए फ्रेंड्स, तो सारा कीमा डल गया है। तो चलिए इसे मसालों के साथ मिला लेते हैं। देखिए, इसी तरह से चला के मिला ले। फ्रेंड्स, अब इसे हम ढक के 10 मिनट पका लेंगे। आप बीच बीच में लीड खोलकर चलाते रहें और पकाते रहें। तो 10 मिनट तक मैंने इसी तरह से पका लिया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पक रहा है। अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ टमाटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टमाटर यूज़ किया है। ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि पहले ही हमने दही डाला है तो उससे तो खट्टापन होगा ही, साथ ही टमाटर से भी खट्टापन आ जाएगा, तो एक ही डालें। साथ ही यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक फ्रेंड्स कम ही डालेंगे, क्योंकि मैरिनेट के समय हम लोग ने नमक डाला था, तो यहाँ पे हम कम ही नमक डालेंगे। और चलिए इन सभी को चला लेते हैं। अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, आप इसी मेथड से बनाइए, देखिएगा आपका कीमा बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। पहले मसालों को भूनकर उसके बाद कुकर में ना डालें, नहीं तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। आप इसी तरह से पहले कीमा को उबाल लें और उसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करें। देखिएगा, इसका स्वाद कभी खराब नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। मसाले का स्वाद और साथ ही कीमा का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम ढक के वापस से इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। आप उसी तरह से लीड बार बार खोलकर इसे बीच बीच में चलाते रहें और पकाते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बन रहा है। फ्रेंड्स, आप इस मेथड से एक बार कीमा बना के देखिए, आपको खुद ही फर्क नज़र आ जाएगा कितना टेस्टी बनता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा पानी डाल लूँगी। और इसे अब हम चला लेंगे। और अब इसे हम ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है। तो चलिए खोलकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कीमा कितना अच्छे से तैयार है। तो तैयार है कीमा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।